सूखी बना ली। और परफेक्ट छत्ता देखो आप, सही लग रहा है ना। हेलो जी, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से और मेरे गांव के एक छोटे से मोहल्ले से जिसका नाम हुआ कांडा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग निकालने वाले हैं मधुमक्खी का शहद, मम्मी निकालने वाली है। और ना आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा ये मोहल्ला है ना, यहाँ सिर्फ एक ही को हम मधुमक्खी निकालना आता है, वो है मम्मी। मम्मी को मतलब मधुमक्खी का शहद अच्छे ढंग से निकालना आता है। तो निडर है क्या, मतलब थोड़ा लोग तो ऐसे ना कि भले मधुमक्खी काटे भी ना लेकिन डर जाते हैं कि यार मधुमक्खी का शहद कैसा निकालना है, थोड़ा टफ होता है। बाकी वो निकालेंगे तो हमने मधुमक्खी के लिए ना पहले से घर बनाए रहते हैं, मतलब छोटे छोटे से बॉक्स टाइप के बने होते हैं घर पे पहले से, या गौशाला पे बने हुए होते हैं, तो वहां पे अपने आप ही ना मधुमक्खी आ जाती है। ऐसे भी नहीं कि मतलब उनको लाना पड़ता है, अपने आप आते हैं। और आज वही आपको दिखाएंगे, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक वीडियो जरूर देखना, बहुत ही मस्त होने वाली है। तो शुरू करते हैं और चलते हैं पहले यहाँ से गौशाला, पहले गौशाला में निकालना है हमने और फिर यहाँ पे भी निकालना है जहाँ पे हमारा किचन है, वहाँ पे भी बना रखा है हमने एक मधुमक्खी के लिए छोटा सा बॉक्स, तो उस पे भी लगे हुए थे। तो चलते हैं और निकालते हैं। तो शहद निकालने के लिए ये दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, ये देख सकते हो, ये चाकू हो गया और बाल्टी। चाकू से काटना पड़ता है और बाल्टी में हम डालेंगे, और ये तो ट्राइपॉड रख रखा मैंने ऐसे ही। तो चलते हैं भाई, यहाँ नीचे पे जाना है, यहाँ पे हमारी गौशाला ये वाली। और अभी यहाँ पे गौशाला के यहाँ पे मिला हमको कौन, आदर्श चाचा का लड़का है नन्नू। इधर देख, हाई कर लोगों को, हाई कर कैमरा पे, हाई कर तो देखो मस्त से धुआं कर दिया है। और यहाँ पे लग रखे हैं मधुमक्खी के छत्ते, तो इनको काटेंगे। ये देखो अच्छे ढंग से लगे हुए हैं, व्हाइट व्हाइट आज तो। तो इस वाली गौशाला में ना मैं जल्दी जल्दी शहद निकालना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ गाय भी आती है, गाय सुबह चली जाती है 5 बजे आजकल जंगलों में, और आजकल ना घर वाले सुबह ही चले जाते हैं। तो जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा क्योंकि ना वो ऐसे होता है कि फिर कोई मधुमक्खी अंदर ही रहती है, तो क्या पता गाय को ही काट दिया, तो वो बहुत उछलते हैं उसके बाद। तो इसलिए मतलब अभी निकाल देंगे हम, और फिर अभी गाय तो गई है लगभग आधे एक घंटे में, सारी मधुमक्खी फिर वापस लग जाती है उस पर, तो अभी तो काटने पड़ेंगे। और अंदर ना पूरा धुआं कर दिया, अब तो पूरा धुआं हो गया है। यहाँ देखो कितने अच्छे रंग से लगे हुए है ना, ये देखो आप। साथ में एक और बात की मतलब पहले ऐसे होता था कि जब भी मकान बनते थे ना, घर बनते थे हमारे पहाड़ों में, तो क्या होता था कि हर घर के कॉर्नर की साइड दो छेद और ऐसे मतलब बॉक्स टाइप के बनाए होते थे पहले से, मतलब जैसे इस पे बना रखा है यहाँ पे, तो ऐसे ही बनाए होते थे हर घर पे भी, मतलब जहां रहते भी वहां पे बनाए रहते थे मधुमक्खी के लिए, ताकि मधुमक्खी आए और छत्ता लगा देती, तो ऐसे बनाए रहते। इस पे बना रखे था, और जो हमारा ऊपर वाला घर है उस पे दो बना रखे हैं, और यहाँ ऊपर भी हमने एक बना रखा है, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाते हैं और अच्छा भी रहता है। मधुमक्खी आती है और अपने आप लग जाती है, ऐसे नहीं कि कहीं से लाना पड़ता है, अपने आप आती है। अभी तो मम्मी गई है थोड़ा बहुत पानी लेने के लिए, क्योंकि पानी भी जरूरत है मधुमक्खी का शहद निकालने के लिए। तो ये देखो घास से ऐसा बना रखा, तो ये भी जरूरी होता है मधुमक्खी निकालने के लिए, क्योंकि पहले पानी का छिड़काव होता है और फिर वहां से हटाने के काम आता है ये, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो भाई इसको भी यूज करेंगे, ये देखो आप। तो ये है, और मम्मी ने देखो खाली हाथ पे लगा रखा है वो पॉलिथीन, और सब ऐसे ही भाई, मतलब नहीं काटती है कि ज्यादा। तो देखो आप, ये है पहले मधुमक्खी का छत्ता, और ऊपर की साइड तो वैसे मतलब नहीं लग रखा है, शायद नीचे की साइड है, तो ऐसा कुछ है। देखो वाह, इसे ढंग से यहां डाल देते हैं।
तो अभी देखो शहर निकल ही रखा है और मम्मी ने ना खाली हाथ पे पहन रखा है, वो भी पॉलिथीन पहन रखा है। और ऐसे में मतलब काटती भी नहीं है, ऐसे नहीं है कि मतलब जितना आप डरोगे ना उतना मतलब मधुमक्खी काटती है, ऐसे मम्मी का मानना है। तो भाई मतलब देखो कुछ नहीं पहन रखा है, सिर्फ सर पे वो लगा रखा है और हाथ पे पहन रखा है बस, और काटी जा रही है फिर तो। और मधुमक्खी काट भी नहीं रही है, और जबकि मैं यहीं पर खड़ा हूँ ना तो मधुमक्खी काट भी नहीं रही है। तो कुछ मतलब ज्यादा ही ऐसे नहीं करना है, जैसे कहीं पर लग भी गई ना तो ऐसे नहीं कि तुमने सीधा ऐसा हटा दिया तो उसमें मधुमक्खी काट देती है। लेकिन ऐसे है कि जब तक आप शांत रहोगे तो कुछ नहीं, कोई नहीं काटता है। देखो अभी यहाँ पे लगे हुए हैं आराम से निकालने पे। देखो मतलब सारे छतों को नहीं काटते हैं, मतलब थोड़ा बहुत बचा भी देते हैं। ये देखो उतना मधुमक्खी के लिए होता है। और यहाँ पहाड़ों में एक चीज और की, तो जब भी मधुमक्खी का शहद निकालते हैं तो डायरेक्ट पहले भगवान को दिया जाता है और फिर खाते हैं। तो दिखाता हूँ आपको कि शहद, तो ये देखो कितना सही लग रहा है ना। मजा आ गई, और गर्मा गर्म है। जैसे ही शहद निकाल दिया, अब उसके बाद उसको एक बार गोबर से ढंग से लीपा जाता है, पूरे जो हमने बॉक्स बना रखा है जिसको कि पहाड़ी लैंग्वेज में खतरा बोला जाता है, देखो वहां बना रखा है तो इसलिए वहां पे ऐसा है। तो अभी ढंग से एक बार उसकी लिपाई होगी, अच्छे ढंग से लिपाई होगी उसकी। ये देखो पानी हो गया और गोबर से, और फाइनली यहाँ पे देखो आप इतना कुछ यहाँ पे शहद हुआ है, और इसको अब गले जाएंगे। तो अंदर धुआं धुआं भी हो गया तो थोड़ा बाहर जाते हैं। तो नीचे गौशाला के बाद अभी किचन में ले आते हैं आपको, और यहाँ पे भी हमने मधुमक्खी के लिए एक छोटा सा बॉक्स टाइप का बना रखा है, तो उसे भी निकालते हैं अब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा रखा हमने मधुमक्खी के लिए छत्ता, तो ये देखो आप, और ये यहाँ पे मधुमक्खी, और इस पे भी तीन चार छत्ते लग रखे हैं यहाँ पे। इस वाली पे देखो कितने सांप लगे हुए हैं ना, तो ये देखो पूरा मतलब भरपूर, ये देखो आपकी मतलब शहद से भरे हुए, ये चार पांच हैं। लेकिन यहाँ वाले छत्ते ना इतने सांप है ना, मतलब अभी क्योंकि ये नई नई आए हुए हैं, ये पहला हमारा मधुमक्खी का मतलब जो हमने कीचड़ में बना रखा है ऐसा ही बॉक्स है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से आ गए हैं और लग भी रखे, कमी है लेकिन फुल भरे हुए हैं। तो ऐसा कुछ लगा हुआ है इस पर भरपूर, ही देखो आप बहुत परफेक्ट छत्ता देखो आप। और जो ये झाड़ू टाइप का है ना, तो यहाँ देखो इसमें थोड़ा बहुत पानी मिलाना पड़ता है, और पानी मतलब पानी का छिड़काव करना पड़ता है उसमें, और फिर मधुमक्खी को जो छत्ता है उससे अलग करना पड़ता है, तो उसमें वो मरते भी नहीं है और थोड़े से गीले हो जाते हैं उनके पंखे, और फिर बाद में सूख के फिर उड़ जाते हैं। तो ये देखो इसमें ये, और ये फ्रेश वाले छत्ते हैं सब लगे हुए, और इसको ढंग से बंद कर देंगे अब। तो अब यहाँ पे देखो इसको ढंग से बंद करना पड़ता है, और फिर इसको गोबर से लिपाई की जाती है उसकी। तो इन वाली मधुमक्खी का तो फर्स्ट टाइम था कि मतलब हम फर्स्ट टाइम पे इनको मतलब इनके छत्ते काट रहे थे, तो थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि ये नए वाले हैं और नए वालों को भरोसा नहीं होता है कि मतलब कहीं काट भी सकती है। तो यहाँ पे देखो इसकी लिपाई भी लगभग हो गई है, और अभी अच्छे ढंग से और करना है इसको, इसको अच्छे ढंग से लीपना है। और भाई और ये देखो आप फ्रेश छत्ते देखो ऐसे होते हैं, नए छत्ते, और इस पे पूरा शहद ही शहद लगा हुआ पूरा।
तो इस पे चार छते लगे, लेकिन काम के छते लगे, मतलब अच्छे छते लगे हुए। चेक जाता है, ये देखो, अभी ये देखो तो शहरी शहद है। और लास्ट की प्रोसेस होती है शहद निकालने की, मतलब एक डब्बे में कैसे करना है, जब जैसे तो ये तो देखो आप, ये तो छते लगे हुए हैं मधुमक्खी के, तो इसको लास्ट में कैसे मतलब सेपरेट किया जाता है। तो इसको किया जाता है, पहले जो छत्ता होता है ना उसको पूरा छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं, जैसे यहाँ पे करे हुए हैं देखो आप, तो छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं और ये रखना पड़ता है ऐसे टोकरी में, अच्छे ढंग से जो टोकरी बना रखी है, ये है रिंगाल से बनी हुई टोकरी है देखो आप, तो इसमें रखना पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि आपको नीचे से दिखाता हूँ फिर क्या होता है, और फिर ऐसा लगता है ये देखो आप, तो ये है शहद ये देखो, और इससे नीचे, इससे नीचे ना अपने आप निकलता है ये नीचे, मतलब इसके छोटे छोटे ना बीच में छोटे छोटे गैप गैप रहते हैं, मतलब इससे आराम से पानी पास हो सकता है कि ऐसा रहता है ये। तो इसको ऐसे करना पड़ता है, ऐसे मतलब इसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं, और उसके बाद ये अपने आप टुकड़े जैसे करेंगे ना तो वैसे वो नीचे शहद अपने आप आता है। तो अब देखो ये पूरा फ्रेश शहद ही हो गया, तो ये है शहद ये नीचे देखो आप ये, और इस पे तो अभी है भी, वैसे ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा खत्म हो गया, इसमें है अभी, इसको ऐसे ही रखा जाता है। तो लगभग आधा किलो भी नहीं होगा, हो गया आधा किलो हुआ होगा, वैसे आधा किलो हो गया होगा। तो ये देखो आप, तो ऐसा कुछ रहता है, और ये देखो दो डंडे रख रखे हैं इसके बीच में ताकि ये बीच में ऐसे आ सके, तो कुछ इस तरीके से रहता है। बाकी नीचे देखो आप ऐसे मतलब आराम से शहद जो है ना वो नीचे आता ही रहेगा। तो ये देखो टोकरी के नीचे से ऐसे निकलता है शहद, ये देखो जैसे उसको मतलब छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं ना, तो फिर इस तरीके से ये नीचे निकलता है और इसमें आ जाता है, ये देखो आप, तो इसमें पड़ रहा है वो, तो ऐसी इसकी प्रोसेस होती है। लास्ट यही है बस, इसकी प्रोसेस ऐसे ही होती है, मतलब इसी तरीके से मधुमक्खी का शहद हमारे यहाँ पहाड़ों में निकाला जाता है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे रख रखा है कि अगर कोई खाना चाहे तो उस पर खा सकता है, ये देखो आप, तो बाकी ऐसे होती है इसकी प्रोसेस निकाल। तो कुछ इस तरीके से पहाड़ों में शहद निकाला जाता है, हमारे यहाँ ऐसे निकालते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जरूर शेयर भी कर देना अगर ज्यादा ही पसंद आई हो। तो मिलते हैं आपको अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।